गुवाहाटी जो कैपिटल स्टेट ऑफ आसाम, इसको गुवाहाटी बोलते हैं आसामीज़ में, और हिंदी एंड इंग्लिश में बोलते हैं गुवाहाटी। टूरिस्ट स्पॉट से बड़ा आसाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। अभी मैं मालीगांव एरिया का एक नाइट व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहाड़ी इलाका में। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का खान पान लोगों को अट्रैक्ट कर जाते हैं। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का एक प्लानिंग सिटी है और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंक्लूडिंग अदर सेवन स्टेट्स, वी कॉल इट सेवन सिस्टर्स। ये सेवन स्टेट्स को 1972 में सेवन सिस्टर्स नाम दिया गया था। तब से हम नॉर्थ ईस्ट वालों को सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, इंडिया का सेवन सिस्टर्स। मालीगांव एरिया में कामाख्या रेलवे स्टेशन, तो कामाख्या रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है, और पलतन बाज़ार जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन। हम ये वीडियो के थ्रू दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो NF रेलवे का हेडक्वार्टर है असम में, तो मालीगांव में है, और यहाँ का जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वो कॉलोनी पूरा हम ये वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस होने का फ़ायदा क्या होता है, गवर्नमेंट कितना कितना फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन का महत्व क्या है, IAS या IFS, IRS ऑफिसर होने के बाद ही पता चलता है, और हम लोगों को भी पता चलता है जो हम देख पा रहे हैं। तो आखिरी तक वीडियो में मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। चारों तरफ हरियाली, पानी की कोई कमी नहीं है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट एवरीवेयर यू कैन सी। तो आइए यहाँ आने का मज़ा लीजिए। और मालीगांव जो एरिया है इसमें आसाम का जो दूसरा मेन रेलवे स्टेशन है वो है कामाख्या रेलवे स्टेशन। कामाख्या रेलवे स्टेशन इन मालीगांव एरिया इन गुवाहाटी। तो मेरा ये स्टेशन जो जंक्शन है इसका दिखाने का मकसद ये है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बाई ट्रेन आते हो नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, तो पहला स्टेशन होगा आपके लिए कामाख्या रेलवे स्टेशन। कामाख्या मतलब मालीगांव रेलवे स्टेशन करके भी इसको जाना जाता है, जो वर्ल्ड फेमस माँ कामाख्या देवी का टेम्पल है तो यहीं पे है, और देवी माँ के नाम को ताल्लुक रखते हुए मालीगांव रेलवे स्टेशन का नाम कामाख्या जंक्शन रखा गया था। और इधर ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NF रेलवे का हेडक्वार्टर है मालीगांव एरिया में। कामाख्या देवी माँ का मंदिर और रोप वे वगैरह जो है, और अदर टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं असम के अंदर, उसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा वेरी सून। तो इसमें हम डिटेल में नहीं बताएंगे, जस्ट सिंपली बता दिए हैं कि मालीगांव रेलवे स्टेशन का नाम क्यों कामाख्या रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये है नीलाचल पहाड़। आप अगर टूवर्ड्स ईस्ट आते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नीलाचल पहाड़ दिखेगा, जहाँ कामाख्या देवी का टेम्पल स्थापित है। कामाख्या देवी मंदिर जाने के लिए लोग ऐसे भीड़ करते हैं, आते लाखों हजारों लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपका मालीगांव रेलवे स्टेशन, जो कामाख्या रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस है। लाखों हजारों लोग हर दिन आते रहते हैं यहाँ, बहुत भीड़ लगते हैं लोगों की। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, और बने रहिएगा। मैं आपको अभी ये रेलवे स्टेशन के NF रेलवे जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, इसका ऑफिसर्स लोगों का क्या फैसिलिटीज है, कॉलोनी ये 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो मैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए अब हम NF रेलवे का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कॉलोनी देखेंगे, और कॉलोनी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो भी हम लोग देखेंगे ये वीडियो के थ्रू। सो कीप गोइंग एंड बी विद मी। ये जो कॉलोनी है NF रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, वो एंटर करते ही आपको ये चेक पोस्ट मिलेगा, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ आप देख पा रहे हो
ये जो हम असम में गढ़ बोलते हैं इसको, ये है राइनो। तो राइनो इज द स्टेटस ऑफ असम, द रीजनल एनिमल ऑफ असम। तो चलिए आगे ये गेट से हम लोग अंदर करते हैं ऑफिसर्स कॉलोनी। हाँ, ऑफिसर्स कॉलोनी में अंतर करते ही आपको यहाँ सिक्योरिटी काउंटर मिलेगा, और ये काउंटर में आपको एंट्री करना होगा, फिर यू कैन गो अहेड। द सिक्योरिटी पर्सन इज दे आर वेरी काइंड टू यू, सो दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव, और जब भी आप आते हो तो वो आपको हेल्प कर देगा। एंटर करते ही थोड़ी दूर में आपको ये ऑफिसर्स क्लब मिलेगा, जहाँ आपको सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, स्विमिंग पूल को लेके थ्री स्टार फैसिलिटीज़ का गेस्ट हाउस सभी आपको मिलेगा। ये देखिए गेस्ट हाउस, जो भी ऑफिसर्स लोग आते हैं तो इन लोगों को कितना बढ़िया फैसिलिटीज़ यहाँ मिलते हैं, वो लोग रह सकते हैं इधर, पूरा थ्री स्टार फैसिलिटीज़ उपलब्ध होगा आपको यहाँ। ये स्टेचू देखिए, वाटर फाउंटेन होता है यहाँ, शाम के समय पर हम वीडियो लेंगे और बताएँगे आप लोगों को। टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट सभी यहाँ उपलब्ध है। ये है लॉन्ग टेनिस कोर्ट, तो अभी तो टेनिस कोर्ट खाली है। देखिए स्विमिंग पूल, এইখিনিতে মই অকণমান আমাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ কৈছোঁ। ভিডিঅ'টোত মই হিন্দীত এইকাৰণে কৈ আছোঁ কাৰণ বাহিৰৰ মানুহেতো অসমীয়া বুজি নাপায়, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহে হিন্দী খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পায়। চ' মই হিন্দীত বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো এটা অসমৰ এছেট হয়, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে কথাষাৰ আদাৰৱাইজ নলয়। বলক ভিডিঅ'টোৰ বাকী থকা অংশখিনি লৈ আগবাঢ়ো। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था इवनिंग के टाइम पे लाइट जलने के बाद, तो स्विमिंग पूल दिखा देते हैं, उसके बाद वाटर फाउंटेन दिखाएंगे लाइटिंग के साथ। गार्जियंस लोग आए हुए हैं बच्चों को लेके। ये देखिए रात के समय पे कितना सुंदर दिख रहा है ये वाला स्टेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाटर फाउंटेन बंद है। वाटर अगर गिरता रहता तो सुंदर, आई थिंक आप लोग इसको इमेजिन कर लिए होंगे। इनके समय पे नज़ारा कुछ अलग ही होता है और बहुत अच्छा दिखता है। सो दिस इज़ हिल टॉप रोड, दिस इज़ द वे टूवर्ड्स ZM जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो बंगलो है वहाँ तक आपको लेके जाएगा। तो इन रंग का माहौल और कुछ अच्छा ही लगता है, और दिखा देते हैं यहाँ से जो रोड दिख रहा है, ये जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का क्वार्टर है, बंगलो है। तो इसी के साथ हम और ज़्यादा आप लोगों का वक्त ना लिए हुए ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं दूसरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो के साथ। तब तक चैनल को प्यार देते रहिए, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, कीप लविंग अस, बी विद अस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।